तालियां ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। हेलो गाइस, मैं हैदराबाद फिर से आपका HN 2.0 क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपका भी कोई एम है, लक्ष्य है, जिसके पीछे आप बहुत मेहनत करते हो, और आशा करूँगा वो आपका लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए। गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अवकलन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, और इसके आज फार्मूलेस पढ़ने वाले हैं, और अगले सेशंस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला फार्मूला हमारा 1 upon n plus 1 d upon dx, ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बराबर x की पावर n। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि अगर इतने स्टेप का डिफरेंशिएशन या यहाँ इतना स्टेप आपको किसी क्वेश्चन में मिलता है तो आपको सिंपल उसकी जगह x की पावर n लिख देना है। n यहाँ पे मैं बता दूँ, कोई भी अचर पद हो जा सकता है, जैसे कि n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। यार, ये सब चीज़ें अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जिसका अवकलन करना होता है, माना x का अवकलन करना है, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे d upon dx, यानी जिसका अवकलन करना है उस स्टेप के पहले हमें d upon dx लिखना है। ऐसे कहता हूँ ये चीज़ क्लियर है। सपोज आपको 3x² का अवकलन करना है तो आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में करके d upon dx के पहले लिखोगे, इसके पश्चात आप इसको सॉल्व करोगे। तो ऐसा करता हूँ, ये कंफ्यूजन आपको दूर है, क्लियर है। चलिए अगले न्यूमेरिकल फार्मूले की बात करते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा d upon dx और ब्रैकेट में है log बेस e और x, यानी x हमारा इनटू में होगा और log के नीचे बेस में हमारा ये e है, बराबर अगर इतना हो तो हमारा होता है 1 upon x। दोस्तों, कहीं अगर आपको या बेस में ई नहीं दिख रहा है, इंटू एक्स है, फिर भी आपको 1 upon x ही लिखना होगा। अगला फार्मूला हमारा है d upon dx ब्रैकेट में है e की पावर x। अगर आपको ये स्टेप कहीं लिखा मिले तो आप उसकी जगह सिंपल e की पावर x सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हो। अगला फार्मूला हमारा d upon dx ब्रैकेट में a की पावर x अपॉन log बेस e इंटू a ब्रैकेट बंद बराबर हमारा क्या होगा, a की पावर x। ये फार्मूला बहुत यूज होता है और अक्सर पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। और अगला हमारा फार्मूला है d upon dx d upon dx ब्रैकेट में माइनस साइन x बराबर हमारा होता है cos x। नेक्स्ट फार्मूला है इसका जस्ट अपोजिट, सॉरी, ब्रैकेट में cos x होगा तो यहाँ पे sin x होगा, तो मैंने यहाँ पे cos x बराबर होता है sin x, जैसे इसका अपोजिट है d upon dx ब्रैकेट में sin x बराबर होता है cos x के। यहाँ पे आपको ध्यान रखता है, जब माइनस कॉस एक्स होता है तो बराबर साइन एक्स के होता है, बट यहाँ पे साइन एक्स धनात्मक होता है, फिर भी यहाँ पे कॉस एक्स धनात्मक होता है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, d upon dx ब्रैकेट में tan x
डी अपॉन डी एक्स बराबर टेन एक्स हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में टेन एक्स ये हमारा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के। इसी प्रकार हमारा नेक फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में है माइनस कॉट एक्स बराबर ये हमारा हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स के, कोसेक स्क्वायर एक्स के। तो आपको ये समझ आया है यहाँ पे टेन धनात्मक होता है बट यहाँ पे कॉट ऋणात्मक लिया जाता है, टेन एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के और डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ वन अपॉन एन प्लस वन डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन प्लस वन बराबर होता है एक्स पावर एन के और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स या लॉग बेस एक्स ई की लॉग बेस ई इंटू एक्स बराबर होता है वन अपॉन एक्स के। और सेम कंडीशन यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स तो आप सिंपल ई की पावर एक्स लिख देंगे और डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स अपॉन लॉग के ई बेस इंटू ए बराबर होता है ए एक्स। तो ये गाइज आप ये फॉर्मूले नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं अगले फार्मूलेस क्या हैं। हमारा अगला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स यानी डी अपॉन डी एक्स इंटू ब्रैकेट में sec x बराबर ये हमारा होता है sec x इंटू tan x के, sec x इंटू tan x के। अगला का फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स माइनस cosec x, d अपॉन डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स बराबर होगा हमारा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के। अगला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा वन अपॉन अंडर रूट, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। और यही हमारा बराबर होता है अगर आपके पास लिखा हो माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो यहाँ पे अगर आपका d अपॉन डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारे फॉर्मूलेस क्लियर हैं और आपको समझ भी आए होंगे। पहला सेशन है आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो नेक्स्ट सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि मैं बेसिक चीज़ों से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। चलिए अगला फार्मूला हमारा है देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में है टेन इनवर्स एक्स ये हमारा बराबर होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के। यानी आप अगर ये स्टेप देखते हैं कहीं पे तो आप क्वेश्चन में डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स देखते हैं तो उसकी जगह आप सिंपल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर
रिप्लेस कर सकते हैं यानी रख सकते हो। और सिंपल इसी प्रकार होता है डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर। गैस आप जानते हो कि टैन हमारा कॉट का, कॉट हमारा टैन का उल्टा होता है, जिस प्रकार सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है और कॉसेक हमारा साइन का उल्टा होता है। तो इससे रिलेटेड और मिलता जुलता फार्मूला है, बस इसमें माइनस है और बराबर में वही पद है जो आपके टैन इनवर्स एक के एक्स के सम्मुख लिखा हुआ है। तो ये फार्मूलेज हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगले फार्मूले क्या हैं। दो और इम्पोर्टेंट फार्मूले बचे हैं, रिलेटेड हैं ये त्रिकोणमिति से। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में अक्सर पढ़ी होगी, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा फार्मूला बचा है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले आपको लिख देना है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन। और इसी प्रकार है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स का, डी अपॉन डी एक्स इंटू कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हमारा बराबर होता है वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन के। तो ये थे आज के हमारे सारे फार्मूले। आशा करता हूँ आपको सारे फार्मूले क्लियर हैं और समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा हुआ लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए HN2.0 क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।